मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज जो है, आज मैं थोड़ी स्पेशल इफ्तारी घर पे करने वाली हूं, बड़ी इफ्तारी करने वाली हूं, और मैं बहुत लेट हो गई हूं क्योंकि आज सुबह से बहुत काम था और मैं बहुत उलझी हुई थी। तो अब बज गए हैं 5:15, तो अब जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूं और मैं कोशिश करूंगी कि एक दो चीजों की रेसिपी आपसे शेयर कर पाऊं, पर मैं गारंटी नहीं करती। आई रियली होप मैं कर पाऊं। सो अभी मैं आ गई हूं किचन में। मैंने गुलगुले बनाने का बैटर जो है वो भिगो दिया है, मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं और चिकन भी मैंने बॉईल करने रख दिया है। वो किस लिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और अभी मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैनिक में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो जो छोटा काम है वो लास्ट में छोड़ने के चक्कर में वो हमेशा छूट ही जाता है। तो इसलिए मैं ये पहले फ्राई करके डब्बे में डाल के रख रही हूँ और उसके बाद मैं अपना बाकी काम करूंगी, तब तक चिकन भी बॉईल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, आप लोगों में से कई लोग ये पूछते हो, ये वंडर करते हो कि गुलगुले क्या होते हैं। सो आज जब वो बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग उसे क्या बोलते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, सो आज मैं बना रही हूँ चिकन रशियन कटलेट अपने अंदाज में। तो सबसे पहले मैंने बटर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल पूरी तरह से मेल्ट कर लिया है पैन में, और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच मैदा, क्योंकि मैं ज़्यादा कटलेट्स बनाने वाली हूँ। हमको एक थिक वाइट सॉस जैसा बनाना है, जैसा हम पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस उसमें हम दूध बहुत ज़्यादा ऐड करके उसको पतला कर देते हैं। इसमें मैं पतला नहीं करूँगी, एक थिक पेस्ट की तरह रहने दूंगी, आगे आपको दिखाती हूँ। सो मैदे को कुछ देर के लिए सौते करने के बाद मैंने दूध ऐड कर दिया है। मैदे का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उसके बाद आप दूध ऐड करेंगे और फिर उसे करीबन 1 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो है मैश पोटैटो टाइप पेस्ट आपको मिलेगा। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, पतला पतला लंबा स्लाइस्ड अनियन, आप चॉप्ड अनियन भी डाल सकते हैं, मुझे स्लाइस ज्यादा अच्छा लगता है। एंड ये देखिए, जैसा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो शोएब जो है हमेशा की तरह मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं और वो मुझे आलू के पकौड़े बनाने के लिए आलू स्लाइस करके दे रहे हैं। सो ये आ गई है सबा मुझे हेल्प करने के लिए, तो वो गुलगुले फ्राई कर रही है और यहाँ अब मैंने इसमें ऐड बोल तो अब मैंने इसमें डाल दिया है छोटी छोटी कटी हुई कैप्सिकम और ये आलू मैं इसमें मैश करूंगी और फिर ये जो मैंने चिकन बॉईल किया है ये मैं इसमें श्रेड कर दूंगी। ये चिकन बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला था और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से ऐड किया है, तो ये श्रेड करके इसको पूरे को बना के फिर हम कटलेट फ्राई करेंगे। तो शोएब ने मुझे जो आलू है वो सारे के सारे स्लाइस करके दे दिए, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली आलू के पकौड़े फ्राई करना भी स्टार्ट कर रही हूं। अब सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ मैं रशियन कटलेट के बैटर में ही काली मिर्च डाली हूँ। आपको बोला कि मैं आलू के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ तो फिर ऑयल गर्म करने रख दिया और फिर बीच में जो टाइम है उसमें सोचा कि चलो यहाँ पे मसाले मिक्स कर दें और नमक गुम गया था, तो ये अब फाइनली मुझे मिल गया और ये मुझसे ढक्कन गिर गया। हमेशा ऐसा होता है ना कि जब किचन में जल्दबाजी हो तो और गड़बड़ हो जाती है। तो मसाले जो मैंने रशियन कटलेट में डाले हैं वो सिर्फ काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला। इसमें वैसे आप बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैरेट, बारीक बारीक कटी हुई बीन्स, आपके ऊपर है, मैं नहीं डाल रही। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर हम इसके कटलेट्स बना के फिर फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है और साइमल्टेनियसली मैं आलू के पकौड़े भी फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज टाइम तो जा ही रहा है। तो अब मैं इस तरह से जो है इसके कटलेट्स बना रही हूँ और फिर हम इसे व्हिप्ड एग में फ्राई करेंगे, व्हिप्ड एग में डिप करेंगे। एक नया मीम ना बन जाए। अरे हाँ, अरे वो बड़ा कमाल का है जिसने भी बनाया है, बहुत क्यूट है। और एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने मैदे का आटा किस वे में बोल दिया, पर चलो अच्छा वो बोल दिया। जो आप बोल रहे थे कि फोन खराब हो गया, जो आपके चमड़ के खड़े हो गए थे ना, वो 5 साल का बच्चे वाला, वो भी बहुत क्यूट था। वो ऐसे रिएक्शन आ रहा था आपका कि नहीं बोला मुझे टूट गया, मुझे चाहिए।
और मैं उस वक्त अंदर से थोड़ी ऐसे जेन्युइनली गुस्सा भी हो गई थी और मैं कैमरा पे गुस्सा दिखाना भी नहीं चाहती थी। हाँ। तो मैं अपने अंदर ही अंदर ना थोड़ा मैं ऐसे स्ट्रगल करी थी कि क्या करूँ। मैं सोचा मैं मुंह ही नहीं दिखाऊंगी। कॉन्शियस हो गई थी कि शिकायत करती थी सबके सामने। हाँ। इतने सारे लोगों के सामने। वही तो। मतलब ठीक है ना, मैं मतलब शोएब ऐसे बोलते जैसे मैं कोई हथौड़ा लेके उसको कुछ करती हूँ कि वो खराब हो जाता है। माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी होती है देख के ना कि सबा जो है आजकल इतनी फ्लॉलेसली कुकिंग करने लगी है। उसने इतना सब कुछ सीख लिया और खुद सीखा है, तो इसका सारा क्रेडिट सबा को जाता है और किसी को नहीं जाता। हाँ, उसने हम लोगों से पूछा है, पर वो इनिशिएटिव, वो चीज़ उसने खुद की है। तो आई एम श्योर सारी मम्मियाँ और जो बड़ी बहनें होती हैं वो इस बात से रिलेट करेंगी कि ऐसे लगता है ना कि हाँ अरे हमारा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और अब मेरे साथ किचन में खड़े रह के इतने फ्लॉलेसली इतनी सारी चीज़ें संभालती है, इतनी अच्छी तरह से कुकिंग सीख गई है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लव यू सबा। वाह, आलू के पकौड़े क्या मस्त फूले आज। नाउ बैक टू रशियन कटलेट। तो ये जो है मैं 3-4 एग एक बोल में तोड़ के उसको विप कर रही हूँ, क्योंकि अब जो कटलेट्स बन गए हैं उसे हम इसमें डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो मीनवाइल शरबत बाहर निकल गया है फ्रिज से, ये फ्रूट्स अम्मी ने कट करके भेज दिए हैं और ये मैं लास्ट सेट ऑफ पकौड़ाज फ्राई कर रही हूँ। बस अभी मैंने निकाल लिए ब्रेड क्रम्स और नाउ टाइम टू फाइनली मेक द कटलेट्स। अब मैं नेक्स्ट आइटम की तैयारी कर रही हूँ जो कि है सूखी भेल। तो ये मैंने अनियन चॉप करवा लिए थे सबा से और मैं इसमें बॉइल्ड पोटैटो चॉप करके डालूंगी और ये मैं मार्केट से लेके आई थी मूंग दाल, ये मसाले वाली है, और ये चना दाल, ये भी मसाले वाली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी मुरमुरा और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे नींबू। मैंने इतनी सारी भेल में सिर्फ 2 नींबू डाला है, ये कटा हुआ हरा धनिया। अब मसाले, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला, दैट्स इट। अब इसको मिक्स कर लीजिए और ये रेडी है। तो वैसे रशियन कटलेट को भुनी हुई सेवइयों में जो है कवर किया जाता है, लेकिन पिछली बार मैंने बनाई थी यार हमारे घर पे, किसी को पसंद नहीं आई। हम लोग सॉरी प्लीज बेयर विद द शोर, क्योंकि हर जगह बातें चल रही हैं, तो इसीलिए आज मैं ब्रेड क्रम से इसे कवर कर रही हूँ। आप चाहें जो ऑथेंटिक है वो सेवइयों से कवर किया जाता है। हाँ कंटिन्यू शोए। अच्छा अभी क्या मिक्स? हाँ बस एक बार मिक्स कर दे। और ये फाइनली कटलेट्स जो है मैंने डाल दिए फ्राइंग के लिए। प्लेट्स नहीं लेके गए। सारी तैयारी जो है ऑलमोस्ट डन। बाहर बच्चों ने प्लेट्स लगा दी हैं। यहाँ सबा जो है भेल रेडी हो चुकी है, इसलिए उसे बोल में भर रही है ताकि वो बाहर हम दस्तरखान पे रख सकें। सो इतनी गड़बड़ में सब कुछ बना रही हूँ तो सोचा कि एक तो आपको डिटेल में देखने मिलना चाहिए। तो इस तरह से कटलेट को जो है आप एग में डिप करके ब्रेड क्रम से पूरा कवर करेंगे और फिर उसे गरम ऑयल में जो है डीप फ्राई कर लेंगे। आई होप वैसे आज की रेसिपी आपको समझ आई हो, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बहुत ही यमी था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अब ये मैं बना रही हूँ हम लोगों की ट्रेडिशनल दाल जो हम पापड़ के साथ खाते हैं और जो हम रोज़ बनाते हैं। और अब ये मतलब वो होता है ना, किसी किसी के हाथ की एक चीज सबसे अच्छी बनती है, तो सबा हैज ग्रेजुएटेड टू मेक द बेस्ट गुलगुलास। मुझे छोड़ के जा रही है, कहती भाभी कुछ हेल्प करवाऊंगी, अब वो सही भी हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत वो पता है, क्योंकि जब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ना, मुझे पता है। मैंने तो हार मान लिया, मैंने कहा घर संभालना बहुत बड़ी चीज है और सबसे बड़ी बात नींद से टाइम पे उठना। मैंने फिर चाकू मार दी और ये देखिए कटलेट एकदम सुंदर से मस्त फ्राई हो रहे हैं। और ये फिर से मुझे हेल्प करने आए हैं, दाल पिस चुकी है तो ये दाल जो है निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं ताकि सब उसे प्लेट में डाल के सर्व कर चुके। मीनवाइल आई एम फ्राइंग मोर कटलेट्स।
सो फाइनली कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं और ये भी रेडी हो गए, तो मेरी ऑलमोस्ट सारी डिशेस कंप्लीट हो गई. एंड हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, एकदम लास्ट मिनट पे सब कुछ रेडी हुआ, पर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की खुशी है. सो हो गई है हमारी इफ्तारी पार्टी और बच्चे मेरे साथ थे काफ़ी देर तक, वो पूरी क्लीनिंग करवा के गए हैं और बाकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं कर रही थी. फिर इस वक्त घर पे पानी आता है तो पानी भरने के लिए इसलिए मैं आज ऊपर हूँ, वरना मैं इस वक्त नीचे होती हूँ. हम सब चाय साथ में पीते हैं, सबा, अम्मी और मैं, लेकिन आज रिजा ने मुझे जो है चाय ऊपर बना के ला दी है और मैं ऊपर चाय पी रही हूँ. आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे कि आलू के पकौड़े मैंने बनाए थे, गुलगुले, रशियन कटलेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, फिर सूखी भेल मैंने बनाई थी, शरबत बनाया था. और हाँ, मुझे आपको बताना था गुलगुले क्या है. तो इसे हम जो है गुलगुले बोलते हैं, हम आटे में चीनी घोल के उसे थोड़ी देर रख के उसमें थोड़ा सा तेल डाल के फिर जो है हम इसे डीप फ्राई करते हैं. तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो हमेशा ये बोलते हैं कि अरे गुलगुले क्या होता है, अरे गुलगुले क्या होता है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बहुत ही पुरानी चीज़ है जो हमारे घर में बहुत आम है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके घर में इसे किस नाम से बुलाया जाता है. सो ये थी आज की हमारे घर की इफ्तारी प्रिपरेशन. आई होप आपको देख के अच्छा लगा हो. मैं आज ये सक्सेसफुली इसीलिए कर पाई क्योंकि सबा बिना बताए, मतलब बिना बुलाए आ गई और उसने इतना सारा मुझे हेल्प कर दिया. बच्चे आ गए, बच्चों ने हेल्प कर दिया, शोएब ने हेल्प कर दिया, अम्मी को पता था तो अम्मी ने फ्रूट्स काट दिया, क्योंकि सबको पता था कि भाभी शुरू से सुबह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हैं और भाभी की आज जो प्रिपरेशन है वो बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सब लोग आके मुझे मदद करने लग गए और ऑनेस्टली बोले तो मुझे बहुत लकी और बहुत बहुत अच्छा फील होता है. मैं सब लोगों, सारी फैमिलीज से बोलना चाहूँगी कि किचन में जो भी आपके घर में जो भी किचन संभालती हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, जो भी हो, प्लीज़ उन्हें जितना हो सके हेल्प करें. ज़रूरी नहीं है वो हेल्प मांगे तो ही आप हेल्प करें, आप वैसे भी उन्हें हेल्प करें जैसे मेरी फैमिली मुझे करती है. क्योंकि कई बार हो जाता है कि आप 100 चीज़ें कर रहे हो और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाती, जैसे आज मैं नहीं कर पाई. मेरे हाथों से मतलब मेरा काफ़ी लेट शुरू हुआ था क्योंकि मैं सुबह से बहुत दूसरी चीज़ों में बिजी थी, लेकिन क्योंकि सब लोगों ने आके मुझे हेल्प किया तो मैं सक्सेसफुली सारी चीज़ें बना पाई और मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर पाई. सो बस एक बड़ा वाला थैंक यू आज इस वीडियो के जरिए मेरी पूरी फैमिली को. और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये प्यारी सी इफ्तारी पार्टी कैसी लगी और क्या आपको ये देख के मज़ा आया. और रशियन कटलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि अम्मी को ये कटलेट बहुत अच्छा लगा. और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि उसका ट्रेडिशनल फॉर्म जो प्रॉपरली वो बनाया जाता है, वो सेवैयों को तोड़ तोड़ के उसमें डिप करके बनाया जाता है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं कि वो सेवैयाँ लगती हैं मुँह में, तो इसीलिए मैंने आज ब्रेड क्रम्स में डिप किया था. वो भी एक तरीका होता है, हमारे घर पे ये ज़्यादा पसंद किया जाता है. सो बस आप ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ एंड बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं और प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. लव यू ऑल. एक चीज़ फिर भूल गई, एक चीज़ अभी याद आई कि पूरे वीडियो में अम्मी का या किसी का भी रशियन कटलेट खाने के बाद रिएक्शन है ही नहीं. सबको बहुत पसंद आया था. आपको या तो शोएब या सबा के व्लॉग में, सबा के व्लॉग में अम्मी का रिएक्शन मिलेगा कि अम्मी को बहुत अच्छा लगा है. सो मेरे इसमें नहीं है, पर अच्छा बनाया, वहां निकलेना. बाय.